गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। सो टुडे वी आर गोइंग टू डू ईवीएस, एंड इन ईवीएस वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 8, एंड नेम ऑफ चैप्टर नंबर 8 is Clothes We Wear. So let's start. So students, open page number 50. Look at the pictures and fill in the missing letters to complete the names of these dresses. आपको क्या करना है, आपको missing letters को fill करना है. You have to fill the missing letters to complete the name of these dresses. ये जो dresses हैं यहाँ पर, इनके जो names होते हैं उनको आपको complete करना है by filling the missing letters. You have to do it by yourself. Need for clothes. We need clothes to cover our body and protect it from heat, cold, rain, dust, dirt and insects. ये क्या बोल रहा है? That we need clothes. हमें clothes की जो जरूरत होती है वो पड़ती है. लेकिन क्यों पड़ती है? Why do we need clothes? To cover our body. अपनी body को cover करने के लिए. And protect it. और अपनी बॉडी को बचाने के लिए. किससे बचाने के लिए? फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, डस्ट, डर्ट एंड इंसेक्ट्स. गर्मी से बचाने के लिए, कोल्ड ठंड से बचाने के लिए, रेन होती है तो रेन से बचाने के लिए, बहुत सारे कीड़े मकोड़े जो होते हैं, डर्ट होती है, डस्ट होती है, इन सब चीज़ों से क्लोथ्स हमारी बॉडी को बचाते हैं. क्लोथ्स ऑल्सो हेल्प अस टू लुक स्मार्ट. और क्लोथ्स आपकी क्या हेल्प करते हैं? क्लोथ्स आपकी एक हेल्प और करते हैं. क्या हेल्प करते हैं? टू लुक स्मार्ट. क्लोथ्स आपको स्मार्ट दिखने में भी, बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट दिखने में भी आपकी हेल्प करते हैं. लुक एट खुशी. शी इज लुकिंग प्रिटी इन हर न्यू ड्रेस. नाउ एज यू कैन सी इन द पिक्चर, देयर इज वन गर्ल और उसका नाम क्या है? खुशी. एंड शी इज लुकिंग प्रिटी इन हर न्यू ड्रेस. और वो अपनी न्यू ड्रेस में, नई ड्रेस में कैसी लग रही है? बहुत ज्यादा प्रिटी लग रही है. सो व्हाई डू वी नीड क्लोथ्स? क्लोथ्स की जरूरत हमें क्यों होती है? टू कवर अवर बॉडी. Clothes for different occasions. Clothes for different occasions. We wear clothes according to the time and occasion. हम जब भी कपड़े पहनते हैं तो वो हम किसके अकॉर्डिंग पहनते हैं? टाइम के अकॉर्डिंग पहनते हैं, ओकेजन के अकॉर्डिंग पहनते हैं. अब ऐसा तो नहीं है कि आप कहीं शादी में जा रहे हो और आप नाइट सूट पहन के चले गए. ऐसा होता है? नो,
या फिर आप सोने के लिए जा रहे हो और आपने लहंगा पहन लिया, कोट पहन लिया, ऐसा होता है? नो, वी वेयर स्पेशल क्लोथ्स फॉर बर्थडेज एंड पार्टीज। हम बर्थडे और पार्टीज में जाते हैं तो हम कैसे कपड़े पहनते हैं? स्पेशल कपड़े पहनते हैं, सुंदर सुंदर ड्रेसेस पहन के जाते हैं। वी वेयर ब्राइट सेरेमोनियल क्लोथ्स फॉर फेस्टिवल एंड वेडिंग्स। अब जब हम कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं या फिर हम कोई किसी की शादी में जा रहे हैं तो हम अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, यस और नो? एज यू कैन सी इन द पिक्चर, हम लोग शादी में जाते हैं तो हम अलग टाइप के कपड़े पहनते हैं, हम बर्थडे में जाते हैं तो हम अलग टाइप के कपड़े पहनते हैं, जब हमें जॉगिंग के लिए जाना होता है तो हम कैसे कपड़े पहनते हैं? लूज क्लोथ्स। जब हम जॉगिंग के लिए या खेलने के लिए जाते हैं तो हम लूज कपड़े पहनते हैं, और जब हम सोने के लिए जाते हैं तब हम नाइट सूट्स पहनते हैं, लूज नाइट सूट हम लोग पहनते हैं। तो बच्चों, डिफरेंट डिफरेंट टाइम और डिफरेंट डिफरेंट ओकेजन्स पर हम लोग कैसे कपड़े पहनते हैं? डिफरेंट डिफरेंट कपड़े पहनते हैं। क्लोथ्स फॉर डिफरेंट सीजन्स। अब आपके अलग अलग सीजन के अलग अलग टाइप के कपड़े होते हैं। लेट्स सी हाउ वी वेयर डिफरेंट क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सीजन्स। हम डिफरेंट डिफरेंट क्लोथ, अलग अलग टाइप के जो क्लोथ्स होते हैं वो पहनते हैं अलग अलग सीजन्स में। वी वेयर लाइट कॉटन क्लोथ्स इन समर। जब गर्मियों के दिन होते हैं तब हम कैसे कपड़े पहनते हैं? कॉटन क्लोथ्स। दीज क्लोथ्स हेल्प टू कीप आवर बॉडी कूल। जो कॉटन क्लोथ्स होते हैं वो हेल्प करते हैं हमारी बॉडी को ठंडा रखने में, ताकि हमारी बॉडी को थोड़ी ठंडक मिल सके। कॉटन क्लोथ्स आर मेड अप ऑफ कॉटन फाइबर। जो कॉटन क्लोथ्स होते हैं वो कैसे बनते हैं? कॉटन फाइबर से बनते हैं। वी गेट कॉटन फाइबर फ्रॉम कॉटन प्लांट। अब मैं आपको क्या दिखाऊंगी? अब मैं आपको दिखाऊंगी कॉटन प्लांट की। सबसे पहले तो हम एक बार देखते हैं कि कॉटन क्लोथ्स जो बनते हैं वो बनते कैसे हैं। वी गेट कॉटन फ्रॉम द कॉटन प्लांट। सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम कॉटन प्लांट से कॉटन को ले लेते हैं। वी गेट कॉटन फ्रॉम कॉटन प्लांट्स। हमें कॉटन कहाँ से मिलता है? फ्रॉम कॉटन प्लांट। तो सबसे पहले हमने क्या किया? हमने कॉटन ले लिया कॉटन प्लांट से। उसके बाद कॉटन इज स्पन टू मेक कॉटन थ्रेड। जो कॉटन हम लेते हैं कहाँ से? कॉटन प्लांट से, या फिर ये भी कह सकते हैं कि जो कॉटन हमें कॉटन प्लांट से मिलता है उस कॉटन से हम क्या बनाते हैं? कॉटन थ्रेड। देन उस कॉटन थ्रेड को हम क्या करते हैं? उस कॉटन थ्रेड से हम कपड़ा बनाते हैं, और वो कपड़ा एंड विच आर स्टिच टू मेक क्लोथ्स। और फिर उस कपड़े को सिल कर हम क्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं? कॉटन क्लोथ्स। सो स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, ये है कॉटन प्लांट। सी, कॉटन ऐसे कॉटन प्लांट पर लगा होता है। सी, तो कॉटन हमें कहां से मिलता है? फ्रॉम कॉटन प्लांट। हम क्या करते हैं? वी टेक कॉटन फ्रॉम दिस प्लांट एंड आफ्टर दैट हम क्या करते हैं? इसकी थ्रेड बनाते हैं। क्या करते हैं? थ्रेड बनाते हैं। थ्रेड मतलब धागे बनाते हैं। और धागे बनाने के बाद हम क्या करते हैं? धागे, उन धागों से, कॉटन थ्रेड से हम क्लोथ बनाते हैं, और फिर उसे स्टिच करके हम क्या बना लेते हैं? कॉटन
क्लोथ्स। वी वेयर वूलन क्लोथ्स इन विंटर्स। विंटर्स में हम कैसे कपड़े पहनते हैं? वूलन क्लोथ्स। दीज क्लोथ्स हेल्प टू कीप अवर बॉडी वार्म। जब हम वूलन क्लोथ्स पहनते हैं सर्दियों में, आप सर्दियों में वूलन क्लोथ्स पहनते, उससे क्या होता है, आपकी बॉडी को गर्मी मिलती है, आपकी आपको ठंड लगती है वूलन क्लोथ्स स्वेटर्स पहनने के बाद, या फिर आपको गर्मी लगती है, आपकी बॉडी को थोड़ी सी गर्म, थोड़ा गर्म महसूस होता है ना, तो इसलिए हम क्या करते हैं विंटर्स में वूलन क्लोथ्स को पहनते हैं। वूलन क्लोथ्स आर मेड अप ऑफ वूल। वूलन क्लोथ्स किस चीज से बनता है? वूल से बनता है। और हमें वूल कहाँ से मिलता है? हमें वूल मिलता है शीप से। कहाँ से मिलता है हमें वूल? फ्रॉम शीप। शीप गिव्स अस वूल। शीप से हमें क्या मिलता है? हमें वूल मिलता है। After that, wool is made into wool thread. अब ये जो wool हमें मिलता है, इससे हम क्या बनाते हैं? इससे हम बनाते हैं wool thread, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? ऊन। और फिर इस ऊन को बुन कर क्या बन जाता है? Woolen clothes. So see students, ये जो sheep है, इस sheep से हमें क्या मिलती है? Wool मिलती है। आप देख सकते हैं इस पे कितनी सारी वूल है। और फिर इसके बाद क्या करते हैं? इसकी सारी वूल को निकाल लेते हैं। सी इसकी सारी वूल निकालने के बाद क्या बनाते हैं हम? वूल थ्रेड, मतलब ऊन हम लोग बनाते हैं। और फिर उस ऊन से हम क्या बनाते हैं, क्या बुनते हैं? स्वेटर्स। वी वेयर अ रेनकोट एंड गम बूट्स व्हेन वी गो आउट ऑन अ रेनी डे। जब रेनी डे में हम बाहर कहीं जाते हैं तो हम क्या पहन कर जाते हैं? रेनकोट पहनते हैं, गम बूट्स भी पहनते हैं। दीज क्लोथ्स हेल्प अस फ्रॉम गेटिंग वेट। जब हम क्या पहनते हैं, जब हम इन क्लोथ्स को पहनते हैं तो हमारी बॉडी जो होती है वो बिल्कुल भी नहीं भीगती। रेनकोट्स एंड गम बूट्स आर मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर। अब रेनकोट और जो गम बूट्स होते हैं ये किस चीज़ से बने होते हैं? सिंथेटिक फाइबर से बने होते हैं। और सिंथेटिक फाइबर जो होता है वो कहाँ से बनता है? मेड बाई मैन इन फैक्ट्रीज। ये मैन बनाते हैं, आदमी बनाते हैं, कहाँ बनाते हैं? फैक्ट्रीज में बनाते हैं। नाउ डू यू नो सिल्क क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम सिल्क फाइबर। जो सिल्क क्लोथ्स होते हैं वो किस चीज से बने होते हैं? फ्रॉम सिल्क फाइबर। We get silk from the silk worm. हमें silk कहाँ से मिलता है? From silk worm. Silk worm क्या होता है? A small insect caterpillar. ये एक caterpillar की तरह ही दिखता है। अभी मैं आपको उसके picture ज़रूर दिखाऊंगी, okay? Clothes made from silk are soft। जो कपड़े किसके बने होते हैं? सिल्क के बने होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, शाइनी होते हैं और बहुत ही ज़्यादा महंगे होते हैं। What is the meaning of expensive? महंगे होते हैं। So students, following picture explains how silk clothes are made from सिल्क। अब जो ये नीचे पिक्चर्स आपको दी गई हैं, इससे ये दिखा रहे हैं ये लोग कि जो सिल्क के जो क्लोथ्स होते हैं वो सिल्क से बनते कैसे हैं। सो स्टूडेंट्स,
एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, ये क्या है? ये है सिल्क वॉर्म्स। सिल्क वॉर्म क्या करता है? सिल्क वॉर्म ऐसे ककून्स बनाता है। क्या बनाता है? ककून्स बनाता है, सी लाइक दिस। आफ्टर दैट उन ककून से क्या बनते हैं? सिल्क थ्रेड बनती है, सिल्क थ्रेड। और सिल्क थ्रेड के बाद क्या बनता है? सिल्क क्लोथ। सबसे पहले सिल्क वॉर्म, उसके बाद वो क्या बन जाता है? वो जब वो, अच्छा सिल्क वॉर्म खाता क्या है? सिल्क वॉर्म खाता है बहुत सारे लीव्स। उसके बाद वो ककून बन जाता है। आफ्टर दैट सिल्क की थ्रेड, हम क्या करते हैं? सिल्क थ्रेड बनाते हैं और उसके बाद सिल्क से क्लोथ्स बनाते हैं। सो स्टूडेंट्स, आप क्या करोगे? यू विल रीड पेज नंबर 50, 51 and 52, ओके? और जो पेज नंबर 50 पर हमने ऊपर जो मिसिंग लेटर्स वाला जो छोड़ा है, दैट वर्क यू हैव टू डू, ओके? सो स्टूडेंट्स, स्टे एट योर होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू।